हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो हमें मिला है जॉब कंपनी की तरफ से एक पर्स भेजा गया है, तो ये पैकेट अभी खुला नहीं है। तो फ्रेंड चलिए खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस तरह का बैग है। चलिए स्टार्ट करते हैं खोलना। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ फ्रेंड इसको खोलने के लिए। मैं थोड़ा लेट भी हो गई क्योंकि व्रत पूजा वगैरह चल रहा था। तो माय गॉड, वाह कितना प्यारा बैग है। ओहो, ये देखो, वाह ये देखो फ्रेंड कितना सुंदर बैग है ये देखो है बनावट। ये हाथ से बिल्कुल बनाया गया है और इतना खूबसूरत बैग। जॉब कंपनी जो है फ्रेंड वो एक इंडियन ब्रांड है और बहुत ही अच्छा बैग उन्होंने मुझे भेजा है और बहुत ही खूबसूरत बैग है और हाथ से इसकी कारीगरी की गई है और बहुत ही प्यारा बैग है। और पता है आप ना बैग गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, जैसे शादी हो किसी की पार्टी वगैरह हो तो उसमें आप इस तरह की बैग आप गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये बैग ना देखना चाहिए किस ब्रांड का देना चाहिए, किस ब्रांड का हमें नहीं देना चाहिए और किस तरह का बैग लेना भी चाहिए, इसमें स्पेस वगैरह है क्या नहीं है, किस तरह का है। चलिए मैं खोल के देखती हूँ। वाह स्पेस भी काफी अंदर दिख रहा है। ये देखो अंदर काफी स्पेस है, आप देख सकते हो अंदर काफी स्पेस है बैग के अंदर। काफी अच्छी चैन है और पॉकेट है, काफी अच्छे से आप रख सकते हो। और इसकी जो मजबूती है ये देखो कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। और बाहर भी एक पॉकेट है, इसके अंदर भी देखो मेरे इतने हाथ अंदर जा रहे हैं। काफी स्पेसियस बैग है। पता है बैग लेने के टाइम में भी ना हमें सोचना पड़ता है कौन सा कंपनी का ले, लेकिन जॉब कंपनी बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड और आगे और भी मैं परचेज करूंगी। बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग भी लेना, बहुत ही अच्छा बैग है ये, बहुत ही बहुत सुंदर लगा मुझे देखने में। और मुझे सही भी था क्योंकि मेरे घर में अभी शादी चल रही है तो मुझे जाना था, तो मैं ढूंढ भी रही थी कि एक बैग मुझे खरीदना भी है। तो फाइनली हमें आ गया मेरा बैग। तो आप लोग भी हमें बताना कैसा लगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। तो फ्रेंड YT सोनाली गुंजन 12 यदि आप वहाँ पे कूपन कोड लगा लेते हो तो आपको काफी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यदि आपको जिसको जिसको चाहिए तो प्लीज वो कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और कैसा लगा तो प्लीज आप लोग जरूर बताना।